ਗਗਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਸੀ ਪੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ जनाब गुरुजी की नगरी प्यार की नगरी और स्वाद की नगरी अमृतसर की गलियों से बाजारों से और हम सबके दिल की गहराइयों से आप सबका दोबारा से स्वागत है। आज बहुत दिन खास है क्योंकि आज शुरुआत है जी, नए साल का पहला दिन है और मैं समझता हूं कि इससे अच्छी शुरुआत नए साल की नहीं हो सकती है क्योंकि मैं आ पहुंचा हूं जी श्री हरमंदिर साहब श्री गोल्डन टेम्पल दरबार साहब में और मेरे साथ हैं जी मेरे बड़े भाई हैं सरदार गगनदीप सिंह पाजी हैं और पाजी मुबारक हाँ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਔਰ ਖਾਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਚਲੀਏ ਜੀ जी बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं एंड यकीन मानिएगा इतनी एनर्जी मिली है एक जोश मिला है और पूरे साल पाजी बल्ले बल्ले कर रहे हैं बिल्कुल बल्ले बल्ले कर रहे हैं जी यस पाजी उन ठंड लग रही है चाय पिए जाके आप चाय भी पीवांगे खावा पीवांगे मैं गी लेकिन उस तो पहला चार लाइना सारे वास्ते अच्छा खाओ पियो ते मुस्कुराओ समा चंगा होवे या माड़ा सदा परमात्मा नु ध्याओ नवे साल ते नवीआं रौनकां भाईचारक सांझ रल मिल के मनाओ साडी सारिआं दी इहो अरदास आउण वाला समा सारिआं वास्ते होवे खास ते कोई ना होवे उदास नवे साल दी बहुत बहुत मुबारक क्या बात है जी तो एक नए स्टाइल में पाजी ने बल्ले बल्ले कर दी है चलिए जी अब चलिए जी चलिए जी पहुंच गए जी हाँ विक्की टी स्टॉल क्या बात है जी ठंडी ठंडी सवेर का गर्म गर्म चाह का मजा विक्की जी हैप्पी न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक जी थानू नवे साल दी मुबारक तो जनाब बाइक से आते आते एकदम से जो हाथ है भाजी ठर गए हाँ अरे वाह विक्की की स्पेशल चाय बन रही है जी ठंडी ठंडी सवेर की जो शुरुआत है वो गर्म गर्म चाह के नाल उसका मजा ही अलग है और इस समय मॉर्निंग का समय है और जो मॉर्निंग की वाइब आती है विक्की टी स्टॉल के ऊपर वो अलग ही रहती है आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं और ग्रुप में जो मजे किए जा रहे हैं चाय के मजे किए जा रहे हैं पाजी की हाल चाल है हैप्पी न्यू ईयर सारे नो सारे नो नवे साल दी मुबारक जी बहुत बहुत मजा मजा हो रहा है थैंक यू बहुत बहुत मुबारक जी प्लीज 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 एंजॉय करो प्लीज तुसी वेरे जी बन रही क्या विक्की जी तीन चाय जबरदस्त वाली नए साल की पहली चाय घर से भी मैं कुछ नहीं पीकर निकला और गगन पाजी ने वैसे थोड़ी सी पी रखी है चाय पी रखी है चाय पी रखी और बाकी ये हमारी बन रही है जी हाँ 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 पाजी कितना होगा टेम्परेचर टेम्परेचर होना है 3-4 डिग्री टेम्परेचर होगा मैं लगता है बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल जनाब ये चाय भी बहुत खास है क्योंकि विक्की जी की ये चाय में पड़ती है जी गुलाब की पंखुड़ियां साथ में गर्मी देने के लिए छुहारे भी डाले जाते हैं और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा नहीं और बाकी इनके साथ गगन पाजी बन का बड़ा मजा आता नाल बन मक्खन गरम गरम खावांगे बहुत चाहोगे ना कॉम्बिनेशन ही बड़ा होती है हाफ हाफ हो जाए बिल्कुल बिल्कुल बन मक्खन भी कर दो हाँ लो लो ये जा रही है हमारी गिलासों में गिलास भी बड़े खास है जी हाँ 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 क्या बात है जी फुल तो गगन पाजी नो शुगर हाँ बिना शक्कर खूबसूरती का राज भाई हम तो मतलब ये देखो जान दो क्या बात है लाइए जी थैंक यू जी हाँ तो 2024 की जब पहली चाय है जी बिल्कुल चाय का बहुत ज़्यादा शौकीन मैं नहीं हूँ लेकिन सर्दी के लिए और थैंक यू जी बड़ी सही टाइमिंग है जी चाय आई और साथ में आ गया जी इनका बन अच्छा इनका बन देखिए एकदम से इसको करारा करके दिया जाता है बीच में बटर लगाया जाता है और चाय कैसी है जी लीजिए वाह हाँ चाय दे विच जो समान पे है
और वो तो इस चाह को खास बनाता ही बनाता है, लेकिन जो विक्की जी प्यार जो चाह बनाते हैं ना, वह जो स्वाद में ऐड होंगे ना, वो इस नैक्सट लैवल लैके जाता चाह, इस करके लोग इन्हें इतने प्यार और शौक न चाह पीन आते हैं। बिल्कुल जी, चाय में गुलाब की पंखड़ियों का मज़ा आ रहा है और बाकी इनके मसाले हैं। गंध मक्खन वैसे भी अमृतसरियाँ की ना फेवरेट स्नैक है, और उसमें गर्म गर्म चाह के साथ मिल जाए लाजवाब। तो दमन भाई का गिलास यहाँ पर पड़ा हुआ है जी, और मज़े वाली चाय है। अमृतसर में आए, स्पेशल विंटर में आए, सुबह में आए, तो इस जगह की मैं बात करूँ, इसे अशोका चौक भी बोला जाता है, क्रिस्टल चौक इसके बाद आएगा। ये सामने पेट्रोल पंप है और स्टेशन से ये वॉकिंग डिस्टेंस भी मैं बोल सकता हूँ। विक्की बाजी स्माइल स्माइल, ये स्माइल बहुत कीमती है जी इनकी, लेकिन हमें ज़रूर दे देते हैं। करिए जी ख़त्म, चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन चलो जी, चले चलते हैं। मज़ा आ गया भाजी, बहुत मज़ा आया, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। भाजी की स्पीड बहुत ज़्यादा है जी, मेरे से पहले ही इन्होंने चाय ख़त्म कर दी है। हाँ ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ खाओ भी हो गया हूँ, ठंड जिस तरह पै रही है ना, दिल कर रहा गुड़ का कड़ा खाने का, गुड़ का दीपक लेके जाना था ना, सर्दियों का तोहफा, बिल्कुल सर्दियों का तोहफा, गुड़ का कड़ा खावांगे। चलो जी चलते हैं अमृतसर का फेमस गुड़ का कड़ा, भाई का दिल किया। हाँ बिल्कुल, चलो बैठो, चलो जी भाजी की ड्रेस कैसी लग रही है ये जरूर बताइएगा। हाँ भाजी आज बच गए। हाँ गगन भाजी कितने रह गए? अच्छा तुम अगे चल गए हो, अही खड़े हैं लाहौरी गेट के बाहर खड़े हैं। कितने आ रहे हो? हाँ जी के मैं आ रहा फिर तुहाडे कोल जल लस्सी ते, ठीक है ओके ओके। तो गगन भाजी हमसे पहले, हम सोच रहे थे कि गगन भाजी पीछे हैं, लेकिन सरदार जी पूरी स्पीड में चल रहे हैं जी। भाजी जल्दी ही ना, बहुत जल्दी कड़ा खा। चलो जी चलिए बैठो दम। भाजी इन्नी काली कड़ा दे ले? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बाहर राशि का 2004 मैं फिर अंदर अंदर आ गया। चलो चलिए। तो ये है जी अमृतसर की बहुत फेमस लस्सी की दुकान है अहूजा लस्सी, यहाँ की लस्सी जरूर पिए अगर आप अमृतसर में आते हैं तो। और आपकी राइट साइड के ऊपर है जी ये हिंदू सभा स्कूल है, इसके साथ ही कॉलेज है, और ये वो कॉलेज है जहाँ से हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी भी यहाँ पर ग्रेजुएशन उन्होंने करी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और कपिल शर्मा जी भी यहाँ पर पढ़े हुए हैं जी। तो ये वो बाज़ार है जी जिसे बोला जाता है जी, यहाँ पर आपको मूंगफली मिलेगी, रेवड़ी मिलेगी, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, लोहड़ी आने वाली है, तो होल सेल की ये मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है और एक पतला सा पुराना सा बाज़ार है जहाँ पर मैक्सिमम शॉप्स ये आप चेक कर सकते हैं, मूंगफली रेवड़ियाँ ये सारा कुछ गचक है वो मिलती है, और यहाँ पर गचक है वो तैयार भी की जाती है। ये देखिए ये गचक तैयार हो रही है, और यहीं से ये बाज़ार शुरू हो जाता है जी आगे जाकर नमक मंडी। हाँ जी लून मंडी अगर मैं पंजाबी में बात करूँ, और किसी ज़माने में यहाँ पर लून की मंडी होती होगी जिस कारण से इसका नाम पड़ा है। तो जनाब सरदार जी का टशन देखें आज आप, क्या बात है जी, आगे जी। हाँ खुशबू तो दोनों खींच के ले आ रही है, क्या बात है, आओ मजा लइए गुड़ दे कड़ा दा, और हमारी जो मंजिल है ना इधर आ जाइए। हम क्या हाल है जी सर, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਧਾ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ। ਰਾਧਾ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੜਾ ਖਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਚੋੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਚੋੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਓ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ
ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਆਏ ਸੀ ਚਲੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਰਹੀਏ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਮੇਲਾ ਇਧਰ ਗੌਰੇ ਭਾਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ महीने से यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन फाइनली यहाँ पर आया हूँ और क्रेडिट जाता है ये भाई साहब को कि इनका दिल कीता पाजी कचौड़ी मिलेगी हैगी नहीं पर तानू मिलेगी ये होता है भाजी प्यार 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 तो जनाब यहाँ पर सिफारिश डालनी पड़ती है दो से तीन बार मैंने इनको फोन पर किया था डेढ़ महीने पहले डेढ़ महीने पहले पाजी की कहते हैं फतेह हो गया फतेह हो गया फतेह का मतलब होता है कि खत्म हो गया लेकिन आज लकली है गौरव पाजी दे दो यार पाजी फड़ो जी तो नए साल की सर्दी में पहला दिन 2024 फर्स्ट जनवरी और ब्रेकफास्ट हो रहा है जी गोरे पहलवान जी के यहाँ पर ठीक है जी मजेदार ब्रेकफास्ट मजेदार है ना वाह इधर आओ जी सबसे पहले ये चेक करो आप ये देख रहे हो गौरव पाजी नु आता कड़ानू है घी के साथ और ये लौंजी है जी साथ में कचौड़ी है गगन पाजी करो शुरुआत जी पढ़ो हाय 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 ये देखो जी ये नज़ारे हैं जी अम्बरसरियों के खास तौर से विंटर की बात करूं सर्दियों की बात करूं पकड़ो जी अमृतसर से आए हो तो कैलोरीज पर ध्यान नहीं देना कि ओदे ऊपर ध्यान नहीं देना आओ पियो मजे लवो बस गुड़ का कड़ा जेड़ा ना ये सर्दियों का तोहफा है ये आगे जी कचौड़ी हालांकि इन्होंने लौंजी दी है लेकिन बलीव मी जो मजा गुड़ के कड़ा के साथ इसको खाने में आएगा ना वो अल्टीमेट है मैं ऐसे ही खाता हूँ यहाँ पर आगे भी मैंने ब्लॉक किया हुआ है लेकिन बलीव मी अगर मैं इस एरिया के आसपास होता हूँ तो यहाँ पर आना बनता ही बनता है और लकीली आज हलवा था तो मजा आ गया जी भाजी बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले चलिए खत्म करते हैं जी इसको और हैगी है जी जगह थोड़ी जी हैगी है कुछ ना कुछ क्या एक और जगह तो जावांगे जरूर तो जगह आज भाजी ने बचा के रखी है कमेंट जरूर कीजिएगा गगन भाजी आज लग कैसे रहे हैं जनाब चलिए जी 1 2 3 चलो यस यस ओके गोरे भाजी नमक मंडी की आन शान है गौरव पहलवान पहलवान ये तो गगन पाजी बस 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 थैंक यू मैं पैकिंग भी करवाई है जी मेरी बेटियां नु बहुत पसंद है और गौरव पाजी का हलवा मशहूर है उसके साथ बांके जी हाँ बांके पाजी की स्माइल स्माइल कर दी है जी हंस के दिखा दी आपा ये ओके जी तानू भी हैप्पी न्यू ईयर जी तो ये रौन के ये शॉन के ये अंदरून अमृतसर का ये जो नमक मंडी है ये जाना जाता है इस चीज के लिए आज 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 की नाम है भाई रुद्राक्ष रुद्राक्ष हमें मिला है हैप्पी न्यू ईयर कह दिए सारे ने हैप्पी न्यू ईयर यस सभी को मुबारक है और अभी थोड़ी सी भूख यहाँ पर बाकी है और नेक्स्ट डेस्टिनेशन बड़ी खास है वो है जी एक ऐसे कुल्चे वाली की दुकान है जहाँ पर हमने लेटेस्ट भी वीडियो डाली थी लेकिन अब देखते हैं कि क्या माहौल चल रहा है बिल्कुल चलें जी चलिए जी चलिए चलिए चलते हैं थैंक यू ओके जी बाय चंगा जी वीडियो भाई ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ तो चलो जी चल बैठ जा भाई गगन दमन
तो जी अभी ये आ गए जी फतेह सिंह कॉलोनी। तो जी हमारी जो डेस्टिनेशन है बिल्कुल सामने है जी काले शाह जी कुलचे वाले। और सत श्री अकाल जी, क्या हाल है? ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर सारे। हैप्पी न्यू ईयर सर। धन्यवाद काले शाह जी। जफी पाओ। ओहो, हैप्पी न्यू ईयर। हमें तंदूर च ना छोड़ दियो। तो रब के बंदे हैं, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाला था इनका, आपने शायद देखा हो फेसबुक के ऊपर, और आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है, भरती था टब पूरा प्यार दे नाल, है ना? क्या बात, मेहनती इंसान है। सतिकाल जी, गगन भाजी बहुत बहुत मुबारक। अरे नहीं, तोड़ा दिता है प्यार, ज़्यादा प्यार है सारा। तोड़ा शुरुआत हुई है, प्रापजरिया बनाता है, एक पजरिया बनया। आंटी जी सत श्री अकाल। ठीक हो? ये आंटी जी हैं, पूरी मेहनत करती है ये फैमिली, और बल्ले बल्ले आपने इनकी करा रखी। हम यहाँ पर आए कुलचा खाने के लिए, और दुकान है हमारी अपनी दुकान है काले शाह जी कुलचे वाले। अरे नहीं, वाहिगुरु करने वाला। हुण कुलचा खवाओ सानू वधिया जिहा। हाँ, स्पेशली भाई मोगा से आया है, और कुलचे किन्ने ले जी इन्होंने? 20 कुलचे लिए गुरुद्वारा साहब में, वो जाएगा जी। वाह जी, काले शाह जी वारी आ जाएगी? हाँ जी आएगी। किन्ने चिर च? घंटे तक। घंटे तक? हाँ जी। एक घंटा बोल रहे हैं बारी लगेगी, और मैं खुश हूँ 2 घंटे भी लगे कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी प्यार मिलिया वीडियो तो बाद? बहुत 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 सरोपिया ने प्यार दिता, जेड़े मेरे वीर भरा बाहर बैठे थे उन्होंने बहुत धन्यवाद जी। ना कितो कितो आ रहे दुनिया हुण? कनेडा तो, जर्मन तो, पहले 5 मिनट पहले एहो गल हो रही सी, उन्होंने पूछो। हां, जर्मन तो, कनेडा तो, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड तो, हां जी ऑस्ट्रेलिया तो। आहा हा हा हा, सारे कुलचे पंजाब ते आपा। हां जी, है ना, पिंडा च बड़े आ रहे भरा फोटवा खिच खिच के लेके जांदे मेरी। और ये देखिए कुलचा भी है, आ की लाया आपा? दही जी। हां दही लाया, स्पेशल दही लगाकर यहाँ को कुलचा दिया जाता है, एकदम से करारा खस्ता बन जाता है। और बाकी इनकी मेहनत है भाई। इसकी पर आलू? हाँ जी, मिक्सी मिक्सी दे रहे हैं आज। मिक्सी? हाँ जी। वाह वाह, जेड़ा बाहर रेट 70 रुपए का कुलचा, हां ऐसे ही 40 में दे जा रहे हैं, 30-40 रुपए में यहाँ पर कुलचा मिल जाता है। ये बड़ी बात है, आपने बहुत ज्यादा इनको स्पॉट किया है, अमेजिंग। और आंटी जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, की हालचाल? ठीक हो? आज ठीक ठाक। मजा आया बहुत। अरे नहीं, भाई गुरु ने मैं कभी आई ताड़ी दे तरीफ है मारे तने ने तरक्की कर गए, तोड़ा आशीर्वाद मिल गया ना। हां जी बहुत बहुत। और आ देखो बाबा दीप सिंह जी ने कृपा इतनी की थी, उन्होंने तो नहीं भेजा, मैं तो उन्होंने का शुक्रगुजार हां जी, लखां बार की उन्होंने भेजा। छोले दिखाओ साडे। लो जी, क्या बात, याद आ ही पहले दिन आए ही थोड़े जे छोले सी, आज देख लो। हां हां, मैं कहना इतो बड़ा पतीला होए, है ना? आ ताड़े तो दिया मैं कर के। ये जो खुशी है ये प्राइसलेस खुशी है, और इसके सबसे ज्यादा हकदार आप सभी हो जिन्होंने इनको प्यार दिया है जी। बहुत प्यार देता है आज अंकल के, ज्यादा तुसी देता है। अरे बस अंकल कहंदे आज 1 घंटा तुहानू लगना कुलचे खान, मैं कहा कोई गल नहीं 2 घंटे लगेंगे, आज तो 2 घंटे लग चाह वधिया पियांगे, बिल्कुल पियेंगे जी। और हमारा कुलचा लग चुका है जी, लग गया जी कुलचा शाह जी? लाए है जी। वाह, बड़े आराम से ये कुलचे बनाते हैं, पकाते हैं उसको, और ये चेक करिए जी एकदम से गोल्ड ब्राउन कलर का काले शाह जी का अमृतसरी कुलचा। ये आ गया जी मक्खन वाला, शुक्रिया जी। और ये चेक करें जी आप, वाह लाओ जी, देसी घी होगा, साथ में चटनी, साथ में छोले, अमृतसरी कुलचा, ऊपर से मक्खन, इधर देसी घी है जी, चको जी। हाँ हाँ, अमृतसरी कुलचे की पहचान होती है जी ये वाली, ये जो क्रिस्प होता है ना। ये तीसरी बार मैं यहाँ पर आया हूँ, वही स्वाद है, वही टेस्ट है, और जो कारीगरी है इनके कुलचे में बहुत बढ़िया है जी। 40 साल हो गए जी इन्होंने काम करते हुए, ये पहचान होती है कारीगर दी, एक्सपीरियंस दी, तजर्बे दी। मेरे को आज भी याद है 7-8 दिन पहले की ये बात है, जब मैं यहाँ पर आया और 2 बज चुके थे, जब अंकल की बोनी भी नहीं हुई थी, एक भी कस्टमर नहीं आया था, उसके बाद वीडियो अपलोड हुई, आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, वो अमेजिंग था। उसकी वीडियो मैंने फेसबुक पर भी डाली है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, और उसके लिए आप सभी का तह दिल से शुक्रिया। और आज यहाँ पर आकर दोबारा से बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं, पैकिंग करवा रहे हैं, और अंकल जी और आंटी जी एकदम से बिजी हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ द पावर ऑफ लव, ये आपके प्यार की शक्ति है, ताकत है, जिसने ये सब कुछ कमाल कर दिया। बाकी कुलचा इनका बढ़िया है, लोकेशन बता रहा हूँ, फतेह सिंह कॉलोनी 9 नंबर गली अनगढ़ के अंदर आएंगे काले शाह जी कुलचे वाले। और खत्म करिए जी, बिल्कुल खत्म करिए, है ना? मजा आया ना आज? बहुत मजा आया, मजा आ गया। आओ जी जफ्फी पा लिया आप,
ਯੈਸ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਇਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚਲੀਏ ਪਿਆਰ ਦੀਜੀਏਗਾ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਦਮਨ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰ ਗਗਨ ਭਾਜੀ ਹੈ ਆਜ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਟਾਈਲ ਹਮਾਰਾ ਚੇਂਜ ਥਾ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਬਤਾਈਏਗਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਰਹੀਏਗਾ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਸਦਾ ਹੀ ਖੈਰਾ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਦਾ ਹੀ ਖੈਰਾ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਘੰਟਾ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗਗਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਾਇਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਹੋ ਗਏ